नंबर 4। ये नेक्स्ट वीडियो अजीब मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिसमें इस वीडियो को अपलोड करने वाले शख्स के मुताबिक ये वीडियो स्कॉटिश वुडलैंड में मिले एक गोप्रो कैमरा की फुटेज है, जहां हम देख सकते हैं कि दो शख्स स्कॉटलैंड के बीहड़ इलाकों में साइकिलिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि झाड़ियों के पीछे से एक सफेद चेहरे वाली विच लाइक फिगर अजीब तरह से उन दोनों साइक्लिस्ट को घूर रही है, और जैसे ही उन दोनों साइक्लिस्ट को किसी चीज के चीखने की आवाज आती है, वो घबराए साइक्लिस्ट वहां से भाग जाते हैं। आगे उन दोनों साइक्लिस्ट के साथ क्या हुआ और क्यों उनका कैमरा जमीन पर पाया गया, ये चीज आज भी हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। सो व्हाट यू थिंक, क्या उस कैमरा होल्डर ने वाकई में उस बीहड़ में किसी विच को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर ये किसी शॉर्ट फिल्म का सीन है, या किसी तरह का प्रैंक सेटअप है? You decide. Number 3. All right, well, it may seem like a bit much, but here I am solo camping. This is Deschutes, Oregon. Well, close to Bend, Oregon. I brought the 8-person tent, or the 6-person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a go. Anyway, look at this. Damn. They must have had their fire going inside of here. It's kind of eerie. ये next video internet पर मौजूद सबसे रहस्यमय videos में से एक है। ये footage जितनी ही डरावनी है, इसकी back story उससे कहीं ज्यादा controversially mysterious है। कहा जाता है कि साल 2017 में एक शख्स बेंड ओरेगन की इस बीहड़ जगह पर अकेले कैंपिंग करने के लिए आया था, और रात होते ही वो अपने एक दोस्त को कॉल करके ये बताता है कि कोई अनजान चीज उसका पीछा कर रही है, जिसके बाद से उस शख्स के लापता होने की धूम मच गई। इस वीडियो के ओरिजिनल रिकॉर्डर को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वीडियो जैकब इद्रीस नाम के एक जवान लड़के ने रिकॉर्ड किया था, कुछ कहते हैं कि इसे जेफ केसलर नाम के एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था, और कुछ मानते हैं कि इसे चेज होव नाम के एक शख्स ने रिकॉर्ड किया था। बट एक दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों लोग साल 2017 से बेंड ओरेगन के इसी इलाके से कैंपिंग के दौरान ही लापता हुए थे, और जब बाद में इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया तो सबूत के तौर पर मिला एक पेन, आसपास बिखरा हुआ कुछ पर्सनल सामान और एक कैमरा। जब लोगों ने उस कैमरा में मौजूद फुटेज को चेक किया तो सबके होश उड़ गए। But sun setting, it's about 8 o'clock. Should be dark out here in less than an hour. The fucking third time I've been woken up by these goddamn noises. Yeah, you can hear it. It's up from that side. Sounds right outside the tent. Right outside the fucking tent. Fuck. That can't be. That's not a fucking animal. That's someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Hey, fucking leave me alone! Flashlight. I can't see a goddamn thing outside this night vision. Jesus Christ. I don't know where the fuck I am. Fucking prick chased me off. I'm wandering in the goddamn darkness. Shit. Fucking flashlight.
कोई चीज उस कैमरा होल्डर के टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो शख्स काफी बुरी तरह से डर कर वहां से भागने लगता है। और इसी दौड़ भाग में वो गलती से अपना फ्लैशलाइट भी अपने टेंट में ही छोड़ आता है। काफी अंधेरा होने की वजह से वो शख्स अपने कैमरा के इंफ्रारेड फीचर को ऑन करता है, बट जैसे ही वो अपने कैमरा को पैन करता है तो देखता है कि शायद जो चीज उसके टेंट में घुसने की कोशिश कर रही थी अब वही क्रिपी चीज ठीक उसके सामने खड़ी है। और बूम, वीडियो खत्म। सो व्हाट यू थिंक, क्या इस वीडियो के पीछे कुछ सच्चाई है या फिर ये कोई ARG है? इसका फैसला आप ही कीजिए। नंबर टू, YouTube यूजर RexyBoy34 का कहना है कि एक दोपहर वो अपने दोस्तों के साथ घर के पास मौजूद घनी झाड़ियों में चिल कर रहे थे, जहां वो लोग फोटोज और वीडियोस ले रहे थे, मस्तियां कर रहे थे। इन शॉर्ट, दे वर हैविंग अ फन टाइम। बट सडनली उनका ध्यान एक अजीब सी चीज पर जाता है। What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. कोई बड़ा सा डार्क फिगर उन झाड़ियों से बाहर निकलकर उस ग्रुप की तरफ आने लगता है। इसे देखकर वो ग्रुप पूरी तरह से डर जाता है। हाँ, शायद कुछ ज्यादा ही बुरी तरह। So what you think? क्या ये फुटेज पैरानॉर्मल है या फिर ये कोई मजाक है? अगर ये कोई मजाक है तो मैं इस लड़की को देखकर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये लड़की उस मजाक का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। नंबर वन, इस नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो को पैरानॉर्मल इंस्टिंक्ट्स नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया था। वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक औरत अपने ब्लैक लैब्राडोर डॉग को रात के वक्त टहला रही है और उसी वक्त उनका पेट डॉग पास की झाड़ियों को देखकर अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, जिसके इस बिहेवियर को देखकर कैमरा होल्डर आसपास की झाड़ियों पर अपने कैमरा को पैन करती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके डॉग ने कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा जिस पर उस कैमरा होल्डर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। Oi. Come on. Bruce. Come on. हम देख सकते हैं कि झाड़ियों से छुपकर एक सफेद चेहरे वाला खौफनाक फिगर उस ओनर और उसके डॉग को काफी क्रिपीली देख रहा था। और गौर से देखने पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उस सफेद चेहरे वाले फिगर की आंखें काफी गहरी काली और बड़ी है, जो डेफिनेटली इंसानों जैसी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो नहीं है, इसीलिए हमें शायद कभी पता नहीं चल पाएगा कि उस लड़की और उसके डॉग के साथ उस रात क्या हुआ था।